हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, पुष्पा 2 से रिलेटेड और भी ज्यादा कई सारे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने निकल के आई है, जिसे सुन के आप लोग बेहोश हो जाओगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसा इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग अपडेट सामने निकल के आई है। तो वो क्या इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग अपडेट है, वो सब कुछ अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए हर दिन हर रोज लेके आ सकूं। और हां गाइस, लाइक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे, YouTube इस वीडियो को आगे रेकमेंड नहीं करेगा। तो यार ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके ही जाएं, बट यार पूरा वीडियो देख के ही जाएं, बीच में मत छोड़ना यार। तो यार पुष्पा 2 से रिलेटेड सबसे पहली अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पुष्पा 2 का एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें आपको एक अलग तरीके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आज तक आपने कभी भी वर्ल्ड सिनेमा में जितने भी मूवीज बनी है, वहाँ पे आपने ऐसा सीन्स, ऐसा कॉन्सर्ट आपने कभी देखा नहीं होगा। सॉन्ग के साथ साथ फाइटिंग सीन्स भी हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा गजब का है, और ऐसा कॉम्बिनेशन आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन डायरेक्टर का ये कहना है, डायरेक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो कॉन्सर्ट में ये मूवी में डाल रहा हूँ, ये सॉन्ग में जो डाल रहा हूँ एक्शन प्लस सॉन्ग के, और सॉन्ग में जो मतलब डांस का जो एलिमेंट्स होता है वो भी आपको यहाँ पे एडिट दिखेगा। मतलब डांस का एलिमेंट प्लस सॉन्ग प्लस एक्शन, भाई ये धमाकेदार होने वाला है। और डायरेक्टर ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जब ऑडियंस इस फ्यूजन को थिएटर में एक्सपीरियंस करेगी, थिएटर में देखेगी, तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि भाई ऐसा कुछ कैसे ही कोई सोच सकता है। ऐसा क्वालिटी वाला सॉन्ग वीडियो विद एक्शन डायरेक्टर सुकुमार आपको डिलीवर करने वाले हैं थिएटर में गाइस। और गाइस डायरेक्टर का ऐसा कहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई डायरेक्टर सुकुमार एक ऐसे डायरेक्टर जो कि बस मूवी के स्टोरी पे ऑडियंस को मास मसाला मिले इस पे ही वो फोकस नहीं करते, वो मूवी के हर एक एलिमेंट पे फोकस करते हैं। डायलॉग डिलीवरी से लेके एक्शन सीक्वेंस से लेके डांस सॉन्ग म्यूजिक, यहाँ तक कि बीजीएम को लेके वो पूरा परफेक्शन लेवल पे काम करते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हमें बस एक स्टोरी लाइन देना है, अच्छे से शूट कर लो, अच्छे से एडिट कर लो और उसे ऑडियंस को डिलीवर कर दो, ऑडियंस को पसंद आएगा। लेकिन डायरेक्टर सुकुमार ऐसे डायरेक्टर नहीं है, वो A to Z मूवी के पूरा फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक सब कुछ वो डिसाइड करते हैं पूरा एक मासी लेवल पे। जैसे कि ऑडियंस को थिएटर में पूरा फुल टू फुल मजा मिले, ऑडियंस के माइंड में एक सिंगल पॉइंट भी नहीं आना चाहिए कि भाई इस मूवी में ये कमी था। ऐसा थिंकिंग वाला डायरेक्टर आपको यदि ऐसा कुछ प्रॉमिस कर रहा है, तो भाई सोचो मूवी कैसा होगा, और वो सॉन्ग जो डेडिकेटेडली डायरेक्टर बोल रहे हैं उसका मजा क्या आने वाला है, उसका एक्सपीरियंस ही क्या होगा थिएटर में, वो तो भाई जब हम थिएटर में इस मूवी को इस सॉन्ग को देखेंगे तभी पता चलेगा। अभी के लिए बस आप इस अपडेट से खुश रहिए, आगे के अपडेट पे हम चलते हैं। दूसरा जो अपडेट है वो भी डायरेक्टर सुकुमार के तरफ से निकल के आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि हम पुष्पा को एज ए मूवी कभी भी रिलीज नहीं करना चाहते थे, हम पुष्पा सीरीज एक बनाना चाहते थे, उसे एक वेब सीरीज में लाना चाहते थे, ताकि ऑडियंस को और भी ज्यादा डेप्थ देखने को मिले। लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम पुष्पा को एक मूवी के थ्रू में भी रिलीज कर सकते हैं, एक फ्रेंचाइजी बना सकते हैं, उसके बाद ही हमने डिसाइड किया कि हम पुष्पा को एज ए मूवी बनाएंगे। और यही कंफर्मेशन अल्लू अर्जुन ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में किया था, कि उन्होंने ये बोला वहां पे कि भाई पुष्पा का जो पार्ट्स होने वाला है वो बस एक या दो पार्ट तक ही नहीं रहेगा, वो 3, 4, 5, 6 मतलब एक पूरा एक प्रॉपर यूनिवर्स होने वाला है, एक प्रॉपर फ्रेंचाइजी होने वाला है। भाई सोच रहे हो, पुष्पा को एक वेब सीरीज में लाना चाहते थे, मतलब पुष्पा का जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है, इतना ज्यादा लार्ज आप कभी सोच नहीं सकते। बस आप यही समझ लो, जब भी कोई डायरेक्टर वेब सीरीज बनाता है या फिर एक वेब सीरीज आता है ना, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जब तक आप कुछ सोच नहीं पाओ, जितना सोचो के उतना डेप्थ पे जाएगा वो वेब, और वो वेब सीरीज कभी भी खत्म नहीं होने वाली। ऐसा मूवी, ऐसा वेब सीरीज पुष्पा को लेके डायरेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अभी एक मूवी रिलीज कर दिया, पुष्पा का एक सीरीज रिलीज कर रहे हैं, तो भाई सोचो पुष्पा का कितना पार्ट रिलीज होने वाला है। लेकिन अभी भी मैं ये बोलूंगा कि डायरेक्टर को और मेकर्स को इस मूवी के और दूसरे पार्ट में ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी के लिए बस आप पुष्पा 2 और पुष्पा 3 पे ही ध्यान दो, क्योंकि जब तक ये दोनों मूवी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, ऑडियंस को बांध के नहीं रख पाती, तब तक आप आगे की स्टोरी को मत सोचो, क्योंकि वो सब कुछ फ्लॉप ही होने वाली है। तो इसलिए अभी के लिए डायरेक्टर और मेकर्स को पुष्पा 2 और पुष्पा 3 पे ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके अगर वो आगे कुछ मूवीज रिलीज करती हैं, तभी उस मूवी का हाइप होगा और वो मूवी अच्छा खासा कलेक्शन भी करेगी। पर यार देखते हैं, वो तो बात का बात है, वो कैसा होगा क्या नहीं, लेकिन पुष्पा 2 के लिए तो देखना पड़ेगा ही, क्योंकि पुष्पा 2 के एंडिंग में ही आपको पुष्पा 3 और 4 का हिंट तो देखने को मिल ही जाएगा। तो यार तीसरा जो अपडेट है वो है भाई इस मूवी के शूटिंग से रिलेटेड।
रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में हमेशा बताया है कि डायरेक्टर ने हर एक एक्टर को, हर एक कास्टिंग कास्ट को अपना अपना डेट्स देके रखा है कि आपको इस डेट पे आना है, आपका शूटिंग करके जाना है, एक भी टाइम डिले नहीं होना चाहिए। और उसका अपडेट ये है कि भाई उस अपडेट पे, उस डेट्स पे बहुत ही जल्दी जल्दी काम चल रहा है। और डायरेक्टर का ये कहना है और मेकर्स का ये कहना है कि अगर एक भी दिन मिस हो गया, एक भी शेड्यूल आगे से पीछे हो गया, तो मूवी के रिलीज डेट में बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, जिसके लिए डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस मूवी के शूटिंग को लेके। और इस मूवी का VFX, सिनेमेटोग्राफी, CGI जो भी है वो टाइम टू टाइम डिलीवर हो रहा है, वो टाइम टू टाइम उसका काम किए जा रहे हैं, एक भी टाइम, एक भी पॉइंट, एक भी शेड्यूल का डिले नहीं हो रहा है। तो यार ये मोस्ट प्रोबेबली देख रहा है कि डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है अपने पिक्चर के लिए, अपने मूवी के लिए। और ये मूवी आपको 15 अगस्त में ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसे क्लैश में रिलीज होगी वो सिंघम अगेन के साथ। इस मूवी के बारे में भी हम एक दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन गाइस फिलहाल इस वीडियो में आपको बस पुष्पा 2 का ही अपडेट मिलेगा। यदि आप सिंघम अगेन का भी कुछ अपडेट चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो यार मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ EV Explain में।